तो नाव वी विल डिस्कस अ केस इन विच वी विल सी के uh, जो बच्चा है जिसके साथ पी डी एस सी के हम कह रहे हैं कि सिम्टम्स जिसके अंदर मैनिफेस्ट होंगे वो किस किस्म के फीचर्स के साथ हमारे साथ हमारे पास आएगा और किस किस्म की केस हिस्ट्री जो है वो उसकी हमारे सामने आएगी तो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द केस ऑफ एना एना जो है उसकी अपनी मदर के साथ वो आई क्लिनिक के ऊपर और उसकी मदर ने रिपोर्ट किया कि जिस वक्त एना एट मंथ्स ओल्ड थी उस वक़्त से जो उसका फादर था एना का फादर था जो वो उसको सेक्सुअली एब्यूज कर रहा था ठीक है बट बच, वो बच्ची जो थी वो आठ माह की थी और ये जो एक्सपीरियंस वो करती रही वो वो टू टू तू थ्री इयर्स तक करती रही ठीक है और वो बच्ची को रेप करता रहा उसका वालद और यहाँ तक कि नाइन इयर्स की जब वो हो गई तो उस वक्त तक उसने ये चीज़ रिपोर्ट की बच्ची ने कि उसके जो फादर हैं वो उसको सेक्सुअली एब्यूज करते रहे हैं ठीक है उसके फादर को चार्ज किया गया नो no डाउट और उसके बाद उसको गिल्टी भी वो हो गया प्लीट गिल्टी भी थी उसकी बट उसको किसी किस्म की प्रोकेस जिसे कहते हैं कि अंडर लॉ उसे प्रोसिक्यूशन जो है उसके ऊपर नहीं अप्लाई की गई बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड ठीक है हर मदर ऑल्सो रिपोर्टेड कि जो एना थी शी वॉज ऑल्सो रेप बाई हर अंकल स्टेप फादर हर फादर फ्रेंड हर फ्रेंड्स फादर एंड उसके एक और रिलेटिव से भी रेप जो है वो रिपोर्ट किया गया अब इफ़ यू सी एना की जो हिस्ट्री है सेक्शुअल एब्यूज़ की वो सिर्फ उसके फादर इमिजिएट जो उसके फादर थे सिर्फ उन्हीं के साथ रिलेटेड नहीं थी रादर फोर और भी जो लोग हैं वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं अब एना के जो सिम्टम्स थे आ, वो चाइल्डहुड से ही उसकी मदर जो थी वो रिपोर्ट करती थी कि वो एंशियस बची थी अक्सर उसको डिप्रेशन और सोशल इन्जाइटी जो थी आ, वो उसको रिफ्लेक्ट होती थी उसके अंदर उसकी मदर को ये फील होता था कि वो डिप्रेशन और सोशल इन्जाइटी जो है वो एट द एज ऑफ टीन एज में वो रिफ़्लैक्ट करी है इसके साथ साथ एना को बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक्स थे नाइट थे नमनेस थी डिसोसिएशन थी ब्रोकन सेल्फ इमेज थी प्रॉब्लम विथ पर्सनल बाउंड्रीज थी और रिपीटेड रिट्रामाटाइजेशन था जैसे हमने ये पढ़ा था कि अगर ये ट्रॉमा जो है वो रिपीटेड हो और प्रोलॉन्ग्ड हो तो उसकी वजह से क्या हो सकता है के बच्चे के अंदर या किसी भी जो भी अडोल्स उसको फेस कर रहा है उसके अंदर मूड डिसरेगुलेशन जो है वो डेवलप हो जाए इसी तरह एना ने जो रिपोर्ट किया कि वो उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस को फॉरगेट करने की भी कोशिश करती थी बट उसको फ्लैश जो थे वो उसके आते रहे टिल द एज ऑफ फिफ्टीन ईयर्स ठीक है वायलेंट nightmares उसको आते थे जो कि वायलेंट nightmares की वजह से शी फेल्ट हर सेल्फ सेक्शुअली एक्टिव ठीक है और फिर उसने क्या किया हाउ शी वॉज ट्राइंग टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम उसने अपने आप को डिसकोनेक्ट करने की कोशिश की अब डिसकोनेक्शन के क्या मतलब है या डिसोसिएशन का क्या मतलब है कि शी थॉट कि ये चीज़ जो है वो किसी और के साथ हो रही है ठीक है और उसको यूँ लगता था कि जैसे वो लेटी हुई है और वो इन सारी चीज़ों को सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है और वो इससे ज्यादा ये फील नहीं करती थी कि ये चीज़ें मेरे साथ जो है हुई हुई हैं ठीक है तो इन दैट वे वो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कोशिश कर रही थी देन एना जो थी वो अपने आप से हर सेल्फ और हर इन्वायरमेंट से जो थी वो डिसकनेक्ट हो गई थी वो कोशिश करती थी कि वो किसी के साथ इंटरेक्ट ना करे ठीक है और इसकी वजह से उसको चूंकि अगर आप देखो तो एना को जो सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है वो उसके बड़े क्लोज़ रिलेटिव ने किया है तो इस वजह से उसको अपनी बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन करने में जो था वो प्रॉब्लम होता था कि कहाँ पे जो उसकी फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ हैं वो ख़त्म हो रही हैं और कहाँ पर दूसरे शख्स की बाउंड्रीज जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं और इसी तरह जो एक्सपीरियंस ऑफ एब्यूज था वो दोबारा दोबारा से रिपीट होता चला गया क्योंकि उस बच्ची की पर्सनल uh, बाउंड्रीज बहुत अर्ली एज में ही बिकॉज शी वाज स्टार्टेड टू बी गेट रेप ऑफ एट मंथ तो उसकी अपनी फिजिकल बाउंड्री डेवलप ही नहीं हो सकी ठीक है तो अगर अब आप इस केस को देखो तो अगर हम देखें तो इवेंट क्या था कि उसको खुद एक्सपीरियंस किया है उसने सेक्सुअल अब्यूज और फिर उसको जो फीचर्स आते थे दैट इज रिलेटेड विद डिप्रेशन इन्जाइटी उसको फ्लैश बैक्स आ रहे थे नाइट आ रही थी डिसोसिएशन हो रही थी पर्सनल बाउंड्रीज एक्सप्लेन नहीं थी रिट्रामाटाइजेशन था ठीक है तो इन सब चीजों के बाद वी कैन कॉन्फिडेंटली सेट के इस बच्ची के साथ जो प्रॉब्लम था वो दैट वाज द पी पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर